सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल ने जी सारे दे। अज मैं जो अपने वीर की दस्तार का ट्यूटोरियल लेके आया वो हैगा अपने वीर शहीद भगत सिंह वीर की दस्तार वर्गी दस्तार का ट्यूटोरियल। गल यह है, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मैं हूँ बहू उन्होंने दस्तार वर्गी दस्तार का ट्यूटोरियल लेके आया, मैं तुम्हें बस उन्होंने शहीदी उन्होंने जन्म दिहाड़े समर्पित, एक्चुअली अज 28 सितंबर है उन्होंने जन्म दिहाड़े समर्पित एक वीडियो लेके आना चाहता सी। सो इसलिए मैं उन्होंने दस्तार की दस्तार वाली वीडियो लेके आया, ठीक है। इसलिए किसी ने जो वीडियो देखनी है जरूर देखो, बाकी मेरे वीरों जिमें तुसी सपोर्ट करते हो उमें करते रहो। ये मैं वीडियो किसी अपने परसनल पर्पस लिए या अपनी पब्लिसिटी लिए नहीं बना रहा, मेरा मन सेगा या कई वीर ने मैंने कहा भी सगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा है। तो इसलिए जेडे वीर पसंद आए तो जरूर देखो, जिन्होंने नहीं देखनी तो जरूर ना देखो, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो अपनी पब्लिसिटी लिए नहीं बनाई हैगी, ठीक है। तो हूँ मेरे वीडियो असं दस्तार का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं स्टैप बाय स्टैप। तो जी मैं हम दस्तार के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा तुम्हें 8 मीटर की दस्तार है जी, सिलाई वाली दस्तार है जी, मैं नॉर्मल दस्तार सजाना 8 मीटर की, ये उही दस्तार है जिन्हों मैं इस शेप के बनया। किमें सजाना है विदाउट बेस, नीचे कोई बेस नहीं है, ये केसा नहीं मैं एडजस्ट किया तो दस्तार में सजाया सिंपल। तो तुम सारी वीडियो स्टैप बाय स्टैप देखना, कितों भी स्किप ना करो जे तुम सीखना चाहते हो, ठीक है। तो हूँ आप दस्तार का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इस दस्तार नू सजाने लई असी अलग तो कोई बेस नहीं बनना नीचे, सिंपल पहला तो असी केसा नू इस तरीके नाल वाह लवेंगे जी कंघे की मदद नाल। अपने केसा नू असी चंगी तरह इकट्ठे जरूर कर लेना है, कोई भी केस इधर उधर थोड़ा भी बिखरिया हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि गल यह है ये जी दस्तार सजाने वेले सानू केसा का बहुत ध्यान रखना पैना, क्योंकि सिंपल सीधी दस्तार सजानी असी। देखो लैफ्ट साइड से थोड़ा लैफ्ट साइड से मैं जूड़ा टाइट करके रख लिया, तो नाल ये गंगा साहब लगा लवेंगे असी, तो जो अपना जूड़ा दस्तार सजाने वक्त खुले ना तो बाद असी एडजस्ट कर देंगे। तो हूँ आप दस्तार की पूनी की हुई है जी, नॉर्मल पूनी है दस्तार की जिमें आप करते होंगे। देखो सज्जे हाथ पकड़ के इनू उपर चक लेना है, तो पूरी बांह जिन्ना आप पल्ला पिछे छड़ना है, पूरी बांह जिन्ना पल्ला आप पकड़ के पिछे जी गिची होंगी है उत्थे लगाना है, मतलब कि उत्थे तक यही पल्ला रखना है। देखो जिथे मैं रख दूँ जितों पकड़े आ, देखो हाँ देखो पकड़े ना जितों मैं इनू आप पूरी पिछे गिची तक लैके जाना, गिची तक हाँ गिची तक लैके हूँ, बाकी जितों जी मूँह चाहता उतों पकड़ लेना है। पहला पेज असी इस तरह लगा लेना है, पहले पेज से तुम वट बना लेने ने नॉर्मल, तुम बस दस्तार की शेप वाल ध्यान देना है, वट जिमें दे होण कोई चक्कर नहीं, क्योंकि तुसी सिंपल ये सोच के चलना है तुसी वटाली दस्तार सजा रहे हो विदाउट बेस, केसा नू चंगी तरह दस्तार के अंदर लेके आना है तुसी, जिमें कि तुहानू दिखाया जा रहा तुसी सेम इन्हां स्टैप्स नू ही फॉलो करना है। पहले पेज नू असी कन्न दे उपर लगाना, देखो एन कन्न दे कन्न जिथे कन्न शुरू हुंदा सी उत्थे लगाया, ज़्यादा नीवा नहीं लगाना पेज, क्योंकि आपां इन्हां चीज़ां नू ध्यान च रखना है कि दस्तार किहो टाइप किस तरीके की हुंदी है उन्हां दी, ठीक है जी। तो पहला पेज असी इस तरीके लगा लेना, जूड़ा साहब नूं आपां दूजे पेज के नीचे कर देना जो आप पहला पेज लगावे। देखो पहला पेज लगा लिया असी, हुण इस पेज नूं नीचे खिंच के देखो इस तरह वटे जी बना के उपर नूं कट्ठे करके इस तरह रख देना है, कोई भी मोटा ही सत्था लेना होवे उहनूं पहले ही उपर चक दिओ तुसीं। आ देखो इस तरीके नाल तुसीं पहला पेज जदों लगाया उहदे उपर दूजा पेज लगा लेना, कोई भी डोंग ना पवे इस गल का ध्यान रखियो। देखो केसा नूं असीं चंगी तरह अंदर करते हुए इस तरीके नाल पहले पेज के उपर दूजा लगा देना है, पहले तो दूजे पेज के विच जां कह लो सारे पेजां दे विच ज़्यादा स्पेस नहीं होएगी अपनी। तो हुण आपां चंगी तरह केसा नूं सैट करांगे, अंदर तक लैके जावांगे केसा नूं, एज ए बेस यूज़ करांगे, सारे पेज असीं चूंडी भर के जां कह लो नीचे जी उपर नूं पिंच करके रखने मोहरे इक्को साइड तों, केसा नूं चंगी तरह अंदर करना दस्तार दे, क्योंकि कोई बेस नहीं सजाया इसलिए केस अपने बाहर आ जाएंगे, इसलिए नाल दी नाल इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तुम राइट साइड तो जो अपने पेज हैं उन्होंने थोड़ा जहा स्पेस के उत्ते लगावे, तो पिंच सारे पेज इस तरीके कर सकते हो तुम, वट जिन्हें मर्जी पैन कोई चक्कर नहीं, बस आपको शेप बनाने तो मतलब है इस जगह पर जी आप दस्तार सजानी है ये सानू ज़्यादा मेन शेप वाल ध्यान देना। देखो थोड़ी जी गोल शेप के दस्तार सजानी है, इसलिए गुलाई के लिया केसा एज ए बेस यूज़ करा, उपरले केसा असी आराम न अंदर करा। तो देखो आप जो पहला पेज लगा उन्होंने थोड़ा बाहर कढ़ लवेंगे, क्योंकि जो उपरला हिस्सा कंप्लीट करना है असी कोई सानू दिक्कत ना आए, तुसी बस मेरे दसे स्टैप्स नू फॉलो करना है, तुसी भावें
5 मीटर की दस्तार सजाओ, चाहे 6 की, चाहे 7 की, जिन्ने मर्जी मीटर की दस्तार सजाओ। तुसी बस इन्हां स्टैप्स नूं फॉलो करना है तां जो तुसी भी उस तरीके की दस्तार सजा सको। देखो गल यह है कि मेरे को 8 मीटर की येलो कलर से दस्तार सी, तो मैं 8 मीटर से ही सजा के दिखाती तुहानू। जे तुहाडे कोल 6 मीटर की है तो तुसी सजा लो, बस कोई इदा दी दिक्कत वाली गल नहीं। असली पता तुहानू उदों लगेगा कि आपां वीर भगत सिंह वीर की दस्तार वर्गी दस्तार सजाने जदों तुसी लास्ट वाला पेज लगाओगे मोर वाला, तो जो पिछे वाला पेज लगाओगे जो आप पिछे छड़ते होंगे वो वाला। बाकी तुसी दस्तार की जी लैफ्ट साइड तो गुलाई वाले जरूर ध्यान देना है, जिमें कि मैं तुम दिखा रहा। देखो जिमें कि तुम दसिया कि लैफ्ट साइड तो ज़्यादा स्पेस से पेज नहीं लगाने है, बट गुलाई के होने चाहिए ने जिमें कि तुम दिखाया जा रहा है। बाकी तुसी सारी दस्तार दोनों पले बराबर करके सजाउणी है, तो वट जिवें तुहानू पसंद ने तुसी उस तरीके के वट पा सकते हो। राइट साइड तो असी दस्तार ज़्यादा बाहर नहीं कढ़नी क्योंकि उन्हां दी दस्तार भी लगभग इहो जी हुंदी है, जे कह लो पुराने टाइम दे विच जिहो जी दस्तार सजाई जांदी सी उस तरीके की दस्तार सजाने। असी पिंच असी उस तरीके नाल कीता सारी दस्तार नूं जिवें कि एक लण नूं कीता उवें ही सारे पेचां नूं करके दिखाया तुहानू मैं। मेन चीज़ असी जिहड़ी ये है कि थोड़ा जिहा शेप वल ध्यान देना है, बाकी चीज़ां तुसीं वट जिहो जिहे मर्जी होण कोई नहीं। नॉर्मल इस पेज दे इस दस्तार दे मैं 5 पेज ही लाए ने, पर 5वां पेज काफ़ी मोटा लाया मैं राइट साइड तो, जिहड़ा मैं 5वां ला के दिखाऊंगा तुहानूं। देखो नाल दी नाल मैं थोड़ा शेप नूं भी ध्यान दे विच दे रहा क्योंकि उन्हां दी दस्तार लैफ्ट साइड तो चकवी नहीं हुंदी हैगी, गोल जरूर हुंदी है तो लैफ्ट साइड तो पर चकवी नहीं हुंदी हैगी, तो इसलिए तिखी नहीं हुंदी उन्हां दी दस्तार किसी भी हिस्से तो। पहला असी देखो उपला हिस्सा कंप्लीट कर लेना क्योंकि अपने केस चंगी तरह टके जाएंगे, तो फिर जिहड़ा असी लास्ट लाइन लगावांगे राइट साइड तो वह भी बड़ा सोहना लगेगा। चंगी तरह खिंच के उपले हिस्से नूं कंप्लीट कर देंगे, सज्जे हाथ नाल पहला पेज चक के खब्बे हाथ नाल अंदर कर देंगे, फिर खब्बी साइड तो खब्बे हाथ नाल पेज चक के सज्जे हाथ नाल अंदर कर देंगे। इस पेज नूं चंगी तरह खिंच के लगा देवांगे, ठीक है जी। हुण थोड़ा शेप वल ध्यान देवांगे असी, देखो उन्हां दी जिहड़ी दस्तार दी जिहड़ी वी हुंदी आ थोड़ी जी लैफ्ट साइड दी जिहड़ी आईज हुंदी आ अपनी अख हुंदी आ जिहड़ी उहदे उत्ते बणदी हुंदी आ, ते उस चीज़ नूं भी असीं ध्यान दे विच देणा। ते हुण आपां लगाउण जा रहे आ जी लास्ट पेज राइट साइड तो। यह पेज असीं सीधा ही लगाना है, उपरली साइड ते मोटा हिस्सा रखदे होए इस पेज नूं असीं चंगी तरह साफ कर लेना है। देखो इस पेज नूं मूँह दे विच क्यों लगाया मैं, कई बार यह हुंदा कि आपां दस्तार ज़्यादा खिंच लैंदे आ ते साडी दस्तार घुम जाती है, तो इस नूं इस लई सारी सैटिंग करने तो बाद चो इस पेज में मूँह के पकड़ लिया करो, तो इस पेज में चंगी तरह साफ करके सीधा लगाना है। असी देखो जिन्ना हिस्सा असी लैफ्ट साइड तो कंधा लुकोया उन्ना हिस्सा ही राइट साइड तो लुकाना है। इस पेज में असी सीधे लगाना है उपरले हिस्से तो मोटा करके, थोड़ा गुलाई के लगा के नीचे जो उपर गुलाई ले जाते हुए देखो इस तरीके लगाना है। इस पेज में उपरले हिस्से तो मोटा करेंगे थोड़ा जहा, वटां सारियां एक जगह पर एडजस्ट करेंगे, सीधा वट लैके जावांगे एक तां जिहड़ा नीचों जी लैके आने वो सीधा ही जाना चाहिए साडा, हाँ जी। तो बाकी बस हिस्से असी अंदर लगा देना है, थोड़ा शेप वल ध्यान देवांगे। देखो जी तुहानू लगता होना लगभग ओह जी शेप के विच असी कोशिश की दस्तार सजाउण दी, तुसीं बस इन्हां स्टैप्स नूं फॉलो करना मेरे वीरो। दस्तार तुसीं किसी भी कपड़े की किसी भी साइज़ की इस शेप के विच सजा सकते हो, ठीक है जी। देखो जे तुहानू आ अख वाला पेज ना सिंगल लगता होवे तां इहदे निचले पेज खिंच के इन्हां नूं सपोर्ट भी दे सकदे हो तां जो अपना पेज अपनी जगह पर टिकिया रहे चंगी तरह। ये अज का ट्यूटोरियल खास सीगा अपने वीर सरदार भगत सिंह दी जन्म दिवस नूं समर्पित। मैं पूरी कोशिश की है जी वैसे हूबहू दस्तार सजाने की, तो हुण असीं तुहानूं लास्ट पल्ला जिहड़ा पिछला 6वां पल्ला हुंदा उहनूं लगाना दसांगे। पहले तो देख लेना जी अपने जिहड़े पेज आ बराबरी तो कर रहा मैं, वैसे ज़्यादा ध्यान तो देने की लोड़ नहीं क्योंकि आपां वटां लई एक तरह किस्म की दस्तार सजाई है, थोड़ी जी फुलमी रहे तो वधिया गल आ, तो इसलिए बस आपां कमी पेशी जे तुहानूं उपरों लगती हुई तो तुसीं हुण इस वक्त उहनूं जरूर सैट कर लिओ। देखो मैं फुलमे कर रहा ना थोड़े थोड़े पेज हाथ मार के, देखो इस तरीके ना तुसी भी कर सकते हो।
तो उपले हिस्से भी चंगी तरह कवर कर सकते हो। जे पेच ढिला है तो उन्होंने चंगी तरह अंदर कर सकते हो। सारे पेचा उपले हिस्से तो बराबर कर सकते हो। ढिला मठा पेच है तो हूने ही चंगी तरह टाइट कर सकते हो। जिमें कि तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम इन सारे स्टैप्स में फॉलो करना मेरे वीरों, तो तुम भी इस तरीके की दस्तार सजा सकते हो। हूँ इस पले लगाने लिए तुम्हें की करना, चंगी तरह पहले पले खोल लेना, दोनों साइड्स तो जोड़े कोर्नर होंगे उन्होंने अंदर फोल्ड कर देना ता जो बाहर झाती ना मारन दोनों साइड्स तो। इस तरह देखो जिमें मैं दोनों साइड्स तो किया ता जो कन्नी वाला पला भी ना दिखे ना ही धागे वाला पला दिखे। चंगी तरह अंदर करके देखो इस तरह खोल के इस पेज में इन्ना क छड़ के चेस्ट तक छड़ के बाकी हिस्से आप उपर लगा देना है। देखो कपड़ा अंदर करना भी जरूरी है ता जो अपनी जगह पर टिकया भी रहे। तो हूँ तो ऐसी जी लगभग अपनी दस्तार सज चुकी है जी। तो जे तुम्हें लगता हो मेरे वीरो लैफ्ट साइड तो जे तुम थोड़ी मोटी भी दस्तार बाहर लगती होती थोड़ा जहा दबा सकते हो इस तरह जो तुम थोड़ी जी ज़्यादा बाहर लगती हो। बाकी जो नहीं लगती तो कोई नहीं, जे तुम ज़्यादा बाहर कटनी है तो तुम कढ़ भी सकते हो। तो हूँ मेरे वीरो तुसी दस्तार नू देख सकते हो जी। तो जे दस्तार का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तुसी शेयर जरूर कर देना। तो जे तुसी चैनल पर नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर दियो, बैल आइकन क्लिक कर दियो ता जो मेरी पाई वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। तो नवी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दिते हुए। तो हूँ मेरे वीरो दियो मैनू इजाजत, गुरु फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।